छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया गुरुवार को एक दिन के दौरे पर रायपुर में रहेंगे। पूनिया सुबह 10:15 पर रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद मोर्चा संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक लेंगे। शाम को पीएल पूनिया के दिल्ली लौटने का भी कार्यक्रम है। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया जी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन के पत्रकार वार्ता कक्ष में संबोधित करेंगे। पत्रकार वार्ता के बाद पीएल पूनिया जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से और मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के लोगों से भी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा हमारे एआईसीसी के प्रभारी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए रमन सिंह इतना उतावले हैं तो सबसे पहले निशक्तजन घोटाले में सरकार की भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। गलत तरीके से कमाया गया पैसा सरकारी खजाने में वापस करें। 2012 में रमन सिंह की ही सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने से रोका था। भूपेश बघेल की सरकार राज्य के कानून का सम्मान करने के लिए अगर अदालत में रिव्यू पिटीशन लगाती है तो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। रमन सिंह बेनकाब हो चुके हैं। सीबीआई के प्रति रमन सिंह जी के मन में जो नया अनुराग जागा है, नया स्नेह जागा है और अपने ही किए भ्रष्टाचार की जांच की मांग के लिए इतने आतुर हो रहे हैं, इसका कारण सबको पता है। रमन सिंह जी सोच रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तो अपने प्रभाव का उपयोग करके इस घोटाले से बच जाएंगे।